हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सलवार से पैंट प्लाजो बनाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इसकी मोहरी और बेल्ट वाला पोर्शन कट कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको प्रेस करके सेट कर ले। अब जो हमारी सलवार की बेल्ट थी, मैंने उसको यूज़ करते हुए हमारी लेंथ मेज़र कर ली है। मैंने यहाँ पे 35 इंच की लेंथ ली है और ये 13 इंच पे हम आसन का निशान लगा लेंगे। और ये 3 इंचेस पे क्रोच एरिया का निशान लगा लेंगे। अभी हम नीचे की तरफ से मोरी के लिए 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब इस तरीके से इसको क्रोच एरिया से जोड़ लेंगे। आप चाहें तो अपनी सलवार वाली बेल्ट का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बेल्ट थोड़ी सी ख़राब है तो हम बेल्ट दोबारा कट कर रहे हैं। हम बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच ले रहे हैं, जिसमें हम 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्क कर लेंगे। और अब इस तरीके से हम इसमें बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। अब हम नीचे मोरी के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।